हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरल। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिंद्रा B275 DI MKM, ये ट्रैक्टर का कंडीशन आप देख सकते हैं। कम से कम ये 2010 का मॉडल है। तो बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि अब्दुल भाई, हमारा ट्रैक्टर अचानक से धुआं देने लगा है, ब्लॉक धुआं देने लगा है, ट्रैक्टर बिल्कुल ठीक चलता है, ना गर्माता है, माइलेज भी ठीक देता है, फिर भी ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा काला धुआं देता है जब उसको फुल RPM देते हैं, फुल रेस करते हैं। तो छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है। तो मैं मेरे तकरीबन वीडियो में बोलता हूँ, जो आप कमेंट करते हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें देखने के बाद पता चलती है, क्योंकि सफ़ेद धुआँ, काला धुआँ है ना, नीला धुआँ, ऐसे धुएँ देने की छोटी छोटी हज़ारों वजह होती है। तो ये सब का पता चलता है, पता है, जब देखेंगे, हम अपनी आँखों से देखेंगे, ट्रैक्टर की आवाज़ खुद अपने कानों से सुनेंगे, है ना, हमारे माथे की आँख से खुद देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि उसमें है क्या। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में जो भी रीज़न होता है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो ये ट्रैक्टर में यही समस्या है कि ये ब्लॉक धुआं दे रहा है। अब देखो उसमें वजह कितनी छोटी है। तो ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक बनता है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिर ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो जाट सी होगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ाना अब्दुल कुरत ऐसे ही नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता है। आज नहीं तो कल आपको हमारा वीडियो लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा। बस आपको केवल देखना है ना, और लोगों में शेयर करना है, बाकी और कुछ तो करना नहीं है। तो मेरे को उसका पूरा सर्विस भी करना है, तो ऑयल वगैरह तो हमने चेंज किया है, उसका एयर क्लीनर वगैरह हमने क्लीन कर लिया है। तो अभी देख सकते हैं कि इसका ये जो साइलेंसर है, यहाँ से हमने उतारा है। चलो इधर में आओ। अब उसमें वजह क्या है काला धुआं देने की, वो मैं आपको खुद दिखाता हूँ, और ये लाइव दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि चलो कोई फेंक वीडियो है। देखो इसका ये साइलेंसर है, और ये मेरे पास में पानी का प्रेशर है। अब देखना, मैं इसमें पानी लगाऊंगा, दिखाऊं ना जिससे, तो देख सकते हैं आप, देखा आपने ये कितना कालापन। तो ये क्या होगा, जब ट्रैक्टर को आप फुल RPM दोगे, रेस दोगे, तो अचानक से ब्लैक धुआं, यानी ये कार्बन निकलेगा, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरा ट्रैक्टर ब्लैक धुआं दे रहा है। अब देखो, देख सकते हैं कितना काला है। उधर की साइड से दिखाओ रेहान, धूप में चले जाओ, अब दिखाओ, है ना, ये पानी देख सकते हैं, दिखता है ना काला। देखो दोस्तों, इसमें से कितना कालापन निकलता है, दिखता है काला, बिल्कुल साफ दिखता है ना। तो यही वजह है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से ये कितना कार्बन निकलता है। देखो ये पूरा साइलेंसर चौक है कार्बन से, जैसा कि आप देख सकते हैं। से लगाते हैं, तो यही वजह होती है। वजह कोई बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, फिर हमारे किसान भाई की फालतू में लागत हो जाती है, कहीं इंजन खुल जाता है तो कहीं डीजल पंप खुल जाता है। तो आपके साथ में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, गलती से कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए, केवल आपके लिए, किसान भाइयों के लिए बनाता हूँ, ताकि हमारे किसान भाई ऐसी चीज़ों से, वीडियो से फ़ायदा ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा बचा सके। ये हमारा धैर्य है और हमेशा रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अभी उसमें से कितना कार्बन निकलेगा, दिखाओ। दिखाओ, है ना, ये पूरा गोली बन के निकलता है, देखो उसमें से। तो यही वजह होती है ब्लॉक धुआं देने की। वजह तो हज़ार होती है, इनमें से ये एक वजह है ज़्यादातर होने वाली, क्योंकि लंबे अरसे तक ऐसा कोई सर्विस करेगा नहीं ना, कौन देखता है, कोई किसान नहीं देखता ये चीज़ों को। दूर से दिखाओ थोड़ा। तो इस तरह से इसमें पानी भर के इसको अच्छे से ये करना है, और देखो ये पूरा कालापन है ना। अभी और लगाते हैं पानी इसमें, देखो दोस्तों कितना प्रेशर लगाने के बाद भी कितना कालापन निकल रहा है, इसको मेरे को अच्छे से क्लीन करना होगा। अगर आपके साथ में ऐसा प्रॉब्लम है, आपका ट्रैक्टर अचानक से इस तरह से ब्लैक धुआं देने लगा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ को चेक करना है, और ये काम आप खुद घर पे कर सकते हैं।
और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए पानी का प्रेशर होना चाहिए, आप नॉर्मली पानी भी डाल के पाइप से इसको इस तरह से अंदर में हिलाते रहो और जितना भी कार्बन होगा वो निकल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें और अभी और अच्छे से इसको प्रेशर लगा के हमें वॉश करना होगा। तो कहने का मतलब यही था कि इस तरह से इसमें जब कार्बन जम जाता है ना तो ट्रैक्टर अचानक से ब्लैक धुआं देने लगता है, और आपको क्या लगेगा कि ये हमारे ट्रैक्टर में कोई और बड़ी समस्या हो गई है क्या, डीजल पंप में ख़राबी है या इंजन में ख़राबी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको खुद मेंटेन करना होगा, ये किसान भाइयों का काम है ये सब करना, है ना। और सर्विस के दौरान हमारे जो भी मिस्त्री भाई है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि सर्विस के दौरान ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, है ना, ताकि हमारे कस्टमर का, हमारे किसान भाई का फालतू में कभी पैसा ना जाए। तो चलो ये पूरा कंप्लीट सर्विस करने के बाद मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको दिखाया कि उसका जो साइलेंसर है वो पूरा कार्बन से चौक था, उस वजह से ये ट्रैक्टर ब्लैक धुआं दे रहा था। तो अब मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं स्टार्टिंग डिलीवरी के टाइम पर तो नया ट्रैक्टर भी धुआं देगा, है ना, लेकिन फुल आरपीएम देने के बाद धुआं नहीं देना चाहिए। तो ये ट्रैक्टर काला धुआं दे रहा था, अभी हम इसको रेस करके देखेंगे। है ना, बिल्कुल धुआं गायब। तो देखा दोस्तों, उसमें वजह कितनी छोटी थी, केवल ये छोटी सी वजह के चलते कई बार हमारे किसान भाई को बहुत बड़ी लागत लग जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि उनके साथ कभी भी ये हादसा होता है तो उनकी काफ़ी बचत हो सकती है ना, ये खुद काम घर पर कर सकते हैं आप। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाले इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।